रुड़की में वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले में चंद्रशेखर रावण की एंट्री हो गई है। सांसद चंद्रशेखर रावण ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रावण 5 अक्टूबर को एसएसपी हरिद्वार के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गाँव में तालाब में डूबने वसीम उर्फ मोनू की मृत्यु हो गई थी। वसीम पर गौ मांस तस्करी का आरोप था। इस मामले में नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने माधोपुर पहुंचकर मृतक वसीम के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर ने मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की और सीबीआई जांच नहीं होने पर सांसद ने रोशनाबाद डीएम ऑफिस पर 5 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी। सांसद चंद्रशेखर ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं होने पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि परिजनों की हत्या की संभावना जताने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने साल 2009 के फर्जी एनकाउंटर का हवाला देते हुए कहा कि तात्कालीन प्रकरण में सीबीआई जांच के बाद दोषी पुलिस वालों को सजा मिली थी, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच जरूरी है। हम ने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना। इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई निर्दोष है, हम नहीं चाहते कार्रवाई हो। अगर कोई दोषी है, क्योंकि अगर जो आपने आज बयान दिए पुलिस के लोगों ने, उस बच्चे पे जो आज इस दुनिया में नहीं, एक बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो, और जो भी इसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया, उसको उसकी सजा मिले। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैंने परिवार को विश्वास दिलाया है। हमने 5 तारीख को अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, इसमें एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, कैसे माना जाए कि पुलिस अपने लोगों को नहीं बचाएगी। ये मांग की है कि हमारी मांग को सुना जाए, वरना 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग जिला मुख्यालय हरिद्वार पे करेंगे और देश भर के अपने लोगों को वहां बुलाएंगे कि भाई लोग हमारी आके मदद करें और हमें इस लड़ाई को लड़ने में हमारे साथ खड़े हैं और जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।